हेलो जी, आई होप एवरीवन इज फाइन। एंड एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। जब रात में बज रहे थे 2:53, मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल हटा ही था कि मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला। अब इंस्टाग्राम पे मेरे को एक अच्छी सी आदत है कि रात को जब भी मैं होता हूँ फ्री, मैं कमेंट जरूर रीड करता हूँ अपनी रील्स पे। वहाँ पे काफी सारे कमेंट्स थे जो देखने लायक थे, और उस कमेंट से मुझे पता चला कि काफी लोग आज तक डाउट में रहते हैं कि कौन सा फेस वॉश उनके लिए बढ़िया रहेगा। अब फेस वॉश कितनी सारी वेरायटी में आते हैं, कितनी सारी चीज़ों में आते हैं, तो कन्फ्यूजन तो रहती है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हमने ये वाला फेस वॉश करा यूज़ और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि आपने इस रिकमेंडेशन से मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। देख रहे हो, लक्ष्य एक, ओपिनियन दो। तो आज की कहानी की शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे फेस वॉश से जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। एंड ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। मुझे पता है लोग अभी भी कमेंट करके बताएंगे कि आपने ये वाला नहीं दिखाया, वो वाला नहीं दिखाया। देखो भाई, ये सारे मैंने यूज किए रिसेंटली या कुछ टाइम पहले, तो समझ जाना समझदार को इशारा काफी है। हाँ जी, बैठेंगे अपनी रिव्यू चेयर पे, उतारेंगे अपने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस को, जिनका लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। प्लीज, हर बार नए नए लोग उत्साह के पूछते रहते हैं। मेरी पुरानी वाली वीडियोस में जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके नीचे लिंक है, तो वहां से जाके खरीद सकते हो। एनीवेज, आज हम फेस वॉश की बात कर रहे हैं ग्लासेस के लिए। अब सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहता हूँ उन अपने भाइयों को जो कि एक ऐसी एज में है जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होना ना बहुत ज्यादा इनएविटेबल है। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, वो जाता ही नहीं है। अब जवानी छा रही है तो भैया ये चीज तो आएगी ना। उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा उस्तरा नीम एंड चारकोल फेस वॉश फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सबसे पहले लिस्ट में इसके लिए बात करी क्योंकि थोड़ा सा अलग फेस वॉश है, क्योंकि आपके फेस से ये एक्ने और पिंपल को हटाता है एंड साथ ही साथ एक अच्छी सी फीलिंग देता है। पूरे दिन आपको रिफ्रेश फील होता रहेगा। एक यूज के बाद ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा अपने आप, क्योंकि मैं मानता हूं कि नीम एंड चारकोल का जो डुअल एक्शन है ना, वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे में इन लोगों ने बनाया है उस्तरा ने, जो कि काफी अच्छे से आपके फेस पर परफॉर्म करता है। एंड अगर आप उस कैटेगरी में से हो जिसके बारे में अभी बात करिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो। एक्चुअल नीम और चारकोल का फायदा ये होता है, देखो चारकोल आपकी स्किन को क्लीन कर रहा है एंड साथ ही साथ जो नीम इंग्रेडिएंट है ना, वो आपकी स्किन को रिपेयर करता है। सुना होगा ना, वो नीम के पत्ते कड़वे कड़वे अगर खाओ तो काफी ज्यादा स्किन को बेनिफिट देते हैं। दैट्स ट्रू। एंड इसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट। इसको यूज करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। हल्का सा अपने हाथ में लेना है, ऑल ओवर इसको स्प्रेड करना है, इमल्सिफाई करके अपने फेस पे लगाना है। एंड यहाँ पर आप एक थोड़ा सा जादू देखोगे हटकर कि इसमें कोई अननेसेसरी फोम नहीं बन रहा। एंड डरने की बात नहीं है कि यार मेरा तो फेस वॉश में झागी नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि कोई भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि SLS वगैरह ड्राइनेस के लिए या फिर पैराबेंस वगैरह नहीं डले हुए, विच मीन्स दिस इज टोटली सेफ टू यूज। सो इफ यू वांट टू चेक दिस आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेस वॉश एक लग्जरी ब्रांड है जो लोग काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 600 से 700 रुपए अपने फेस वॉश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वाला ब्रांड उनके लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट इनिसफ्री वॉल्केनिक फोमिंग फेस वॉश। एंड इस वाले की ना बात करूं, मेरे अगर फेवरेट्स की बात हो रही है तो ये टॉप में जरूर आता है। हाँ, इसमें SLS है एंड ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी ऑयली स्किन है। एंड इफ यू फॉलो दिस अप विद अ मॉइस्चराइजर या फिर एक टोनर, यू आर गुड टू गो। आपको कोई ज्यादा ऐसे नेसेसरी करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसका लैदर काफी ज्यादा अच्छा बनता है, काफी ज्यादा स्मूथली आपके फेस पर ये काम करता है। एक चीज मैंने नोटिस करी है इसको रेगुलर यूजेज के बाद, एंड अगर आपने मेरा हॉल देखा हुआ ना अमेजोन वाला, तो उसमें ये था। बट एक चीज मैंने नोटिस करी, अगर कॉम्बिनेशन स्किन है ना आपकी एंड आप अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगा हो या टोन नहीं करते हो अपनी स्किन को आफ्टर यूजिंग दिस, थोड़ी सी वो और ज्यादा ऑयली हो सकती है, जस्ट बिकॉज द ग्लैंड्स विल बी एक्टिव एंड उसकी वजह से ये हो सकता है, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं ज्यादा ड्राई कर देता है। तो मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो ऑयली स्किन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉशेस दैट आई हैव यूज्ड। अगेन 650 रुपए का है, MRP पे डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा जब भी आप इसको देखते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लग्जरी ब्यूटी। अब अगर बात हो रही है टॉप फेस वॉशेस की, तो लियोक और यूथ फेस वॉश कहीं भी पीछे नहीं रहता है। थर्ड चॉइस मेरी ये वाली है, क्योंकि ये एक माइल्ड क्लेंजर है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है। इसके अंदर दो चीजें हैं, चारकोल एंड साथ ही साथ आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। तो जो स्किन रेजुविनेशन की तरफ जाना चाहते हैं, माइल्ड क्लेंजर की तरफ जाना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि ज्यादा एक्सेस ऑयल उनके फेस पे बिल्डअप ना हो, एंड SLS फ्री प्रोडक्ट, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड। मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए भी ज्यादा प्रेफरेबल है जो नाइट रूटीन भी फॉलो करते हैं। एंड अगर आप मेरे व्यूअर हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि भाई एक नाइट रूटीन भी जरूर बना लो अपना, जो आप उसको डिलीजेंटली फॉलो करो, ताकि आपको यू नो टेंशन ना हो बाद में अपनी स्किन की। तो या वहां पर ये आराम से खरा उतरता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा जेंटल स्मूथ रखेगा एंड नेक्स्ट डे के लिए जब आप उठोगे ना, काफी अच्छे से प्रिपेयर कर देगा इफ यू गो एंड फॉलो अप दिस विद अ मॉइस्चराइजर या अगेन अ टोनर। क्योंकि आपको ना ऐसा उठे उठ के वो नहीं लगेगा कि यार हाँ मेरी स्किन एकदम से डल सी लग रही है, मेरे को नींद से आ रही है, वो आपको फील नहीं होने देगा। एक कोई भी नाइट क्रीम आप लगा सकते हो, मैं कामा की नाइट क्रीम यूज करता हूँ यूजुअली, बट हाँ अगर आपके पास कोई भी नाइट क्रीम है जो अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रही है, इसके बाद उसको लगा लो एंड आपकी रात सुहानी हो जाएगी। वाओ,
नहीं, वाओ से मुझे याद आया एक सिमिलर आइटम जो मुझे गिफ्ट मिली थी, वाओ का उबटन फेस वॉश। ये वाला जो फेस वॉश है ना, कई लोगों का मन करता है कि यार हाँ वो उबटन वाले मैनुअली जो लगाते हैं ना हम अपने फेस पर, उसके टाइम टेकिंग जो इतनी सारी चीजें होती है वो ना करें। यू कैन गो फॉर दिस फेस वॉश क्योंकि ये काफी अच्छे से काफी स्मूथली आपके फेस पे काम करेगा। अब ये वाला फेस वॉश आप रेगुलर भी यूज कर सकते हो या फिर अगर आपको यू नो फेस्टिव ग्लो टाइप का चाहिए तो उस टाइम पे भी आप यूज कर सकते हो। तो इवेंट थिंग भी हो सकती है एंड रेगुलर बेसिस पे भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप रखना चाहते हो। फ्रेग्रेंस इसकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लैक करती है तो मुझे इतनी पसंद नहीं आती। अगर आपको उबटन की स्मेल या उबटन की फ्रेग्रेंस ज्यादा पसंद है देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये डीओ नहीं है जो आपको फेस पे लगा के छिड़क के ऐसे पूरे टाइम फ्रेग्रेंस में रहना है, ना आपके ये पल्स पॉइंट्स है, तो इट डज नॉट मैटर कि फ्रेग्रेंस कैसी होने लग गई है। बट स्टिल जब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब आप वो यू नो फेस वॉश कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको अच्छी स्मेल का एक्सपीरियंस चाहिए तब शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए ये लैक करता है। स्टिल यू कैन गो फॉर दिस। आज तक ऐसी कोई शिकायत मैंने सुनी नहीं है इस फेस वॉश से। जितने भी लोगों ने यूज किया है, जितने मेरे घर वालों ने यूज किया है आज तक, उनको सबको ही अच्छा लगा। ऑब्वियसली अनदर फेस वॉश जो टॉप 5 की लिस्ट में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन एक और फेस वॉश जो मेरी लिस्ट में आता है, इसके बारे में मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ लेकिन सोचा कि दोबारा एक बार आपसे रूबरू किया जाए, एंड दैट इज ईक्लैट मेन का हाई प्रोफाइल फेस वॉश। फेस वॉश की पर्टिकुलरली बात करूं तो ये वाला जो है थोड़ा सा चारकोलिश साइड पे आ जाता है। फ्रेग्रेंस की बात करूं अगेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, थोड़ी सी यू नो अजीब लगती है आपको। फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग नहीं है, बहुत ज्यादा बेकार नहीं है, इट्स समथिंग इन बिटवीन। इंग्रेडिएंट्स भी काफी अच्छे हैं, पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी, एंड यू नो यू कैन गो फॉर दिस विदाउट एनी डाउट्स। एंड साथ ही साथ इसकी पूरी किट भी आती है, आप वो भी ले सकते हो, वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन अगेन एक टोनर या फिर एक मॉइस्चराइजर इसके बाद आप अगर लगाते हो नो वरीज, यू आर गुड टू गो फॉर द होल डे। खैर ये लिस्ट तो खत्म हो चुकी है मेरे टॉप 5 फेस वॉशेस की, लेकिन अभी काफी कुछ है जो सरप्राइज में आपको रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मे बी धीरे धीरे कर अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं करूँगा, बट नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे कर आपको काफ़ी सारे सरप्राइजेस और चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू दिस वन बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम सीरियसली हैप्पी दिस टाइम। इसी के साथ अपनी खुशी को थोड़ा सा थमा के आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगेन सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।